अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा वालेकुम सवाल है बीवी के हुकूक के ताल्लुक से है कि जैसा एक जी शख्स निकाह करता है और निकाह करने के बाद वो बीवी को छोड़कर दूसरी कंट्री में चला जाता है, 2 साल एग्रीमेंट पे या कुछ भी। अब ऐसे हालत में जैसा कि हदीस में है कि 4 महीने से ज्यादा अलग नहीं रह सकते, तो अब अगर वो बीवी किसी बदकारी का शिकार होती है तो क्या शौहर उसका गुनहगार होगा? हालांकि ये बात वाजे रहे कि बीवी को मालूम है कि ये जो जा रहे हैं 2 साल एग्रीमेंट पे जा रहे हैं उसके बाद ही आएंगे, और शौहर जो जा रहा है वो बीवी की यानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही बाहर जा रहा है। बिल्कुल वाजे है आपका सवाल। देखिए, वो जो आपने 4 महीने की बात की वो हदीस नहीं है, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कजा है, उनका फैसला है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। लेकिन इस बाब में आप जो सबसे अहम बात है वो ये याद रखें कि बीवी का हक है कि अपने शौहर से मुतालबा करे कि आप मेरे साथ रहिए, उसको ये हक है। अगर वो छोड़ करके 2 साल 4 साल के लिए कहीं जा रहा है तो बीवी चाहे तो ये मुतालबा कर सकती है कि आप मेरे साथ रहिए जी। अगर वो रजामंद है कि आप जाइए कमाने, जाहिर है कमाना दोनों की जरूरत है, तो आम तौर से तो यही होगा कि बीवी रजामंद होगी कि आप कमाने जाइए, कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, हमारी ही जरूरतों को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर बीवी रजामंद है कि 2 साल 4 साल के लिए आप जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं आपको, आप हमारे साथ ही रहिए ताकि आप हमारे हुकूक अदा कीजिए, अब ऐसी सूरत में उस शौहर को इख्तियार होगा। भाई अगर जाना उसकी मजबूरी है तब तो नहीं रह सकता है, अब ऐसी सूरत में वो इख्तियार है उसको, चाहे तो बीवी को रख सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है, चाहे तो बीवी के साथ रहे जैसा कि वो कह रही है, और अगर उसकी मजबूरी है तो क्या करेगा, बीवी तो राजी नहीं है। तो बहरहाल ये चीज दोनों की रजामंदी से होगा। अगर बीवी राजी नहीं है तो आप छोड़कर उसको नहीं जा सकते। वह अस्किनुहुन्ना मिन हैथु सकन्तुम, आप जहां रहो वहीं पर रखो, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो राजी है तो जा सकते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उसका शौहर चला गया और वो बदकारी कर रही है तो शौहर कैसे जिम्मेदार होगा? भाई गुनाह वो कर रही है तो जिम्मेदार शौहर कैसे होगा? जी भाई, वो जो गुनाह, वो या तो बता दे कि भाई चले आओ मैं गुनाह करने जा रही हूं। जी हाँ, पहले बता दे कि चले आओ मैं गुनाह करने जा रही हूं। तो ये अजीब मामला है कि जो है शौहर अगर चला गया बाहर तो जो है बीवी किसी गलती में पड़ गई तो शौहर को नहीं, ऐसा नहीं है। बीवी का हक है, वो चाहे तो ये मुतालबा कर सकती है कि आप मेरे साथ रहिए, लेकिन जो गुनाह वो करेगी वो उसका गुनाह है, उसका शौहर से कोई ताल्लुक नहीं।